हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास है वीवो मोबाइल V23e 5G मोबाइल है दोस्तों। जो कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ चुकी है दोस्तों, तो इसका जो पावर बटन है वो काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण देखिए जब इसको दबाएंगे ना इसकी स्क्रीन ऑफ होगी ना ऑन होगी। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों, ना इसको हम बंद कर सकते हैं, ना चालू कर सकते हैं, ना इसका लॉक वगैरह लगा सकते हैं इस बटन को दबा के। तो इसमें अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इस बटन को ठीक करने के लिए इसको हमें खोलना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा इसके अंदर बटन में दिक्कत है या क्या चीज़ की दिक्कत है दोस्तों। तो उसके लिए हमें इस फ़ोन को खोलना है। खोलने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो बैक पैनल है, जो कि ग्लास का होता है दोस्तों, कंच के टाइप में होता है, तो इसको हमें खोलना है। तो इसको कैसे खोल लेंगे इस वीडियो में यही दिखाएंगे दोस्तों। तो फटाफट इसको खोलते हैं और दिखाते हैं इसको कैसे सेफली आप उतार सकते हैं बिना तोड़े इसको और बिना इस पर कोई स्क्रैच वगैरह डाल ले। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको हमें हिट कर लेना है, जो कि हल्का हल्का SMD जो हमारी होट गन होती है, या हम इसको सीधा देसी भाषा में हाकू बोल देते हैं दोस्तों। तो उससे हमें इसको हिट कर लेना है। हिट करने के बाद देखिए हमें लेना है सेविंग ब्लेड, और सेविंग ब्लेड लेके जहाँ पे बैक पैनल है यहाँ पे एक ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट में इसको हल्का हल्का इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद हमें क्या करना है, ये लिक्विड ग्लू रिमूवर गम ले वाला लेना है दोस्तों। तो इसको हमें एक बूंद करके इसमें डालना है। तो इस तरह आपको ब्लेड को नीचे की तरफ खींचना है या ऊपर की तरफ खींचना है, जिस तरह भी आप ब्लेड लगाओ। तो उसके हिसाब से फिर देखना, अगर जब आपको इसको थोड़ा थोड़ा खींचते चले जाएंगे तो एक जगह आगे रुक जाएगा, तो इसमें थोड़ी सी और लिक्विड डालना, और उसके बाद इसको फिर ऐसे ही चलाते चले जाना, जिससे कि इसके नीचे की गम है वो अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। फिर एक हार्ड पन्नी ले लेना, उसके नीचे डाल लेना दोस्तों, और डालने के बाद फिर उस पर भी लिक्विड डालना, और उसको फिर इस तरह फेंटते जाएंगे। तो इसी तरह आपको चारों तरफ डाल के इसको घुमाना है, जिससे कि इसके नीचे जो गम होगी या डबल टेप लगी होगी वो अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये ढक्कन आपका सेफली बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो फटाफट इसी प्रोसीजर को इसको चलाते रहते हैं और करते हैं। और जहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट पत्ता होता है वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि उस पत्ते को ये हार्ड पन्नी है जो काट सकती है, तोड़ सकती है वहाँ से। तो इसलिए वहाँ से बिल्कुल आपको सेफली निकालना पड़ेगा, और ज़्यादा आपको इस पर जोर नहीं लगाना, क्योंकि ये कंच टाइप होता है दोस्तों ढक्कन, तो ये टूट भी सकता है। इसको बिल्कुल आराम आराम से उतारना है, और जहाँ पर कैमरे है आपको वहाँ पर भी हिट करके इसको आराम आराम से इसको उतार लेना, और ये ढक्कन है बिल्कुल इस तरह आपका ये बाहर आ जाएगा। तो ये बैक पैनल है जो कि आपका, ये बिल्कुल सेफली बाहर आ चुका है, इस पर कोई भी निशान वगैरह लगे दोस्तों, तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है। मतलब इसको हमने उतार लिया है बिल्कुल सेफली, इसको रख देते हैं अब साइड में। तो अब हमें करना क्या है, देखिए ये फ़ोन है, इस पर यहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिखेंगे नट, तो इन नटों को खोल लेना है दोस्तों। नटों को खोलेंगे तभी इसको हम आगे की तरफ खोल पाएंगे। जब आप इसके नट खोल लो तो सिम वाली साइड से आपको इसमें नाखून डालना है, और नाखून डाल के इसको चारों तरफ घुमाते चले जाना है, जिससे कि इसके लॉक हैं जो लगे होंगे वो अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो इसकी पीछे की रिंग है या हड्डी है इसको भी बिल्कुल आराम से अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये अलग हो चुकी है, देखिए बिल्कुल। तो अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमें इसके बटन को चेक करना है, बटन के अंदर क्या दिक्कत है। वैसे हम इसके बटन को ऐसे भी साफ़ सफाई से ठीक कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हो साफ़ सफाई से। तो आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसको कैसे साफ़ करके चला सकते हो और कैसे